क्या हाल सभी के, व्हाट इज अप एवरीबॉडी। माय नेम इज आदित्य सिंह, एके द ट्रिप सीकर। आफ्टर 35 डेज आई एम मेकिंग वीडियो फ्रॉम सच इज लॉन्ग टाइम। मैंने बहुत बड़ा गैप ले लिया इस बार का, बट क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी थी क्योंकि मेरा लैपटॉप एकदम से बिगड़ गया था। और अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में क्या है, लेनोवो लीजियन। अगर आपने अपने इंस्टा पे फॉलो किया होगा तो आप लोग को मालूम होगा कि मैंने एक नया लैपटॉप परचेस किया है कल ही, विच नेम इज द लेनोवो लीजियन। और आप लोग को लग रहा होगा इसको मैं फेंक क्यों रहा हूँ, इसके अंदर खाली डब्बा है, इसके अंदर कुछ है नहीं, असली माल तो यहाँ पे है इसके बैग के अंदर। सो गाइस, दिस इज माय न्यू लैपटॉप लीजियन 5। उसके साथ ये सिम्बॉल नहीं है, बट ये सिम्बॉल मैंने स्टिकर लगा दिया है, जो मेरे को साथ में स्टिकर मिला था। थोड़ा अल्टी लुक एकदम आ रहा है इसके साथ और बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। ये स्टिकर भी एकदम मैच कर रहा है और इसका कलर है फैंटम ब्लू, विच सीम्स लाइक अ डार्क, एकदम डार्क ब्लू देखने में लगेगा, एकदम ब्लैक है। और जल्दी से इसके स्पेक्स बता देता हूँ मैं आपको। इसके स्पेक्स है 16GB रैम, 2TB SSD विच इज़ वेरी गुड, और 3060 का RTX का लेटेस्ट प्रोसेसर, और विच इज़ इंक्लूडिंग विद AMD Ryzen 7 3060। और उसका रेंडरिंग स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होता है अभी के टाइम में, विंडोज़ के लैपटॉप में तो सबसे ज़्यादा फास्ट है। और ये Lenovo Legion 5 Pro नहीं है, विच इज़ 5 Pro इसके सेम रेंज में आता है, विच विल कॉस्ट अराउंड 140,000। और ये मेरे को पड़ा 133,000, ऐसे इसका ओरिजिनल प्राइस था 138,000। बट आप लोग ऑफलाइन से लोगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। डिस्प्ले साइज ऑफ दिस लैपटॉप इज 15.6 इंच, विच विल बी कंपेरेबल लेस इन कम्पेयर टू 5 Pro। 5 Pro के अंदर डिस्प्ले साइज है 16 इंच का, बट द रिफ्रेश रेट ऑफ द डिस्प्ले विच विल बी सेम, विच इज़ द 165Hz। द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन 5 एंड 5 Pro इज दैट 5 Pro में आपको 500 nits का डिस्प्ले मिल जाएगा और इसमें हम लोग को 300 nits का डिस्प्ले मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा मार्जिन पे मैटर नहीं करता है, तो मैंने सोचा कि 5 Pro का ऐसे भी बुकिंग बहुत चल रहा है, 2-3 महीने तक उसको अभी अवेलेबल ही नहीं है ऑफलाइन तो खास, क्योंकि मेरे को इस बार लैपटॉप ऑफलाइन ही लेना था, क्योंकि मेरे को सब कुछ चेक वेक करके लेना था। पहले मैंने सोचा कि इतना पैसा खर्च ना हो तो मैक ही ले लेता हूँ, बट मैक की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मैंने प्राइस डाला है उसमें मैक का बस बेस वर्जन ही मिलेगा, और मैक का मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो वर्जन लेना था वो मेरे को पड़ रहा था 2 लाख अराउंड। सो मैंने सोचा कि उतना कॉस्ट तो मैं अभी पे नहीं कर सकता, उसके कंपेयर में ये लैपटॉप अभी तक बेस्ट है। और इसके साथ आपको मिल रहा है AMD Ryzen 7, जो मैंने आपको बता ही दिया है। और मेन थिंग, इसके साथ आपको कीबोर्ड्स मिल जाएंगे फुल्ली 100% RGB, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और विथ आपका पैनल हो जाएगा, इसका हिंजेस बहुत अच्छा है, आपका 180 डिग्री तक आपका हिंजेस घूम सकता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 180 डिग्री तक पूरा हिंजेस घूम गया। और हिंजेस का क्वालिटी भी बहुत मस्त है, पहले के लीजन की तरह नहीं, पहले का लीजन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हिंजेस प्रॉब्लम होता था, बट इसमें फुल्ली टेस्टेड हुआ है कि हिंजेस में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस लैपटॉप। नाउ लेट्स चेक द बूट टाइम ऑफ दिस सिस्टम। वाओ, इट हार्डली टेक्स 9 to 10 seconds to open this laptop from shutdown to version। और इसी के साथ आपको यहाँ पे एक कैमरा की स्विच भी मिल जाएगी, अगर आपको कैमरा ऑफ रखना है कि ऑन रखना है उसके लिए। सो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, और साइड में सारे पोर्ट्स भी दिए गए हैं इधर। और कीबोर्ड की फंक्शनिंग कुछ इस तरह से होती है इसकी, ये फुल्ली RGB, अगर आपको इसको सेट करना है तो आप सेट भी कर सकते हो। अगर नाइट व्यू में आप देखोगे तो बहुत मस्त एकदम लगेगा इसका लुक। बट तो ये तो हो गई लैपटॉप की बात कि लैपटॉप में क्या क्या स्पेसिफिकेशन, बट व्हाट वी विल गेट फ्रॉम द लैपटॉप, अगर आप लोग ऑफलाइन से लैपटॉप लेते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। ये ऑप्शन ऑनलाइन में भी अवेलेबल था, बट मैंने ऑफलाइन इसलिए चूज़ किया कि ऑफलाइन में मेरे को लैपटॉप का बैग भी मिल रहा है, विच इज़ गेमिंग सीरीज लैपटॉप का बैग। और लैपटॉप का बैग इतना अच्छा है कि हमें लैपटॉप का वेट मालूम ही नहीं पड़ रहा है रियली में कि लैपटॉप का वेट कितना है। द ओनली कॉन्स इन दिस लैपटॉप विच इज़, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसका लैपटॉप का जो बैटरी है, लैपटॉप का बैटरी मेरे को एक्चुअली में लैपटॉप से भी भारी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि विच विल अराउंड 2 kg,
बट इसका वेट लैपटॉप से भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आपको किसी को मारना है तो भी मार सकते हो इससे, क्योंकि इतना भारी लैपटॉप है। 300 वॉट का चार्जर मिल जाएगा आपको इसके साथ, की चार्जिंग एकदम फास्ट मिलेगा आपको। कंपनी क्लेम करता है कि 7 to 8 आवर्स बैटरी मिलने वाली है, बट वो कभी भी पॉसिबल हुआ नहीं है विंडोज़ लैपटॉप के साथ, मैक के साथ वो पॉसिबल है। दैट्स वाई मैक इतना अच्छा चलता है इसका, उसका परफॉर्मेंस इतना हाईली एकदम होता है, बट विंडोज़ के साथ वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेमिंग सीरीज का लैपटॉप है, गेमिंग सीरीज के साथ आपको कभी भी 7 to 8 आवर्स बैटरी कभी भी नहीं मिल सकती। बट वो तो दिमाग में रख के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मैक अलग है और विंडोज़ अलग है। सो इसका बैटरी है 300 वॉट्स का चार्जर है, आपको फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड करेगा उसी के साथ। सो दिस इज फॉर द लैपटॉप। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में शेयर करो। और बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाया, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, बट टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो कैसे बनाऊँ क्या बनाऊँ। एक तो लैपटॉप भी नहीं था कि बना के करूँगा क्या, कि एडिट किस में करूँगा, मोबाइल में मुझे एडिट करना अच्छा लगता नहीं है कैमरा के फुटेजेस वो सब, क्योंकि वो बहुत कंप्रेस हो जाती है फाइल। सो बस यही था इस वीडियो में, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा लैपटॉप कमेंट में ज़रूर से शेयर करके बताना, क्योंकि ये लैपटॉप का बहुत रिव्यू भी मैंने देखा नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि ये जो 5 सीरीज़ का लैपटॉप है जो नया लॉन्च हुआ है, 5 प्रो के बाद ये लॉन्च हुआ है Lenovo Legion 5, सो इसका रिव्यू बहुत कम है यूट्यूब पे भी। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हो इस पर मैं टेस्टिंग थोड़ा बनाऊँ कि एडिटिंग में कैसे इसमें परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो वो भी मैं बना दूंगा अगर आप लोग ने कमेंट करके बताया तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टिल टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। और प्लानिंग कर रहा हूँ कि कहीं लंबे राइड की, अगर प्लानिंग सक्सेसफुल हुआ तो फेब में कहीं निकलने वाले हैं। आप लोग को अगर इंस्टा में फॉलो करते हो मालूम पड़ जाएगा कि वीडियोस तो बहुत लेट होगी। तो टिल देन राइड आउट राइड सेफ, आई सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय। कितने 1.5-2 मिनट का वीडियो एडिट किया है एडोबे प्रीमियर प्रो में, इच इज़ इन 1080 पिक्सल में, और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने सारा हाई रखा है। अब देखता हूँ उसको एक्सपोर्ट में कितना टाइम लग रहा है। 222 MB का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट टेस्ट करने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ अभी कि कितना टाइम लग रहा है रेंडरिंग में। मेरे पुराने लैपटॉप में 3 मिनट का वीडियो भी 15 से 20 मिनट लगता था, अभी ये 2.5 मिनट का वीडियो है। और आप लोग रेंडरिंग स्पीड देख सकते हैं इसका, कितना रेंडरिंग स्पीड है, कितना फास्ट ये कर रहा है। अप्रॉक्स मेरा 10 मिनट का वीडियो होगा तो मुझे 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा करने में लिए, सो विच इज़ वेरी गुड। और अपना काम तो शॉर्ट हो गया भाई।